ये पढ़ पढ़ने बोल रहे मामा। बोलो बोलो। यहेजकेल 31 का 9। एक से नौ, एक से नौ बाइबल खोल के पढ़ो। अच्छा, जी जी, 31 अध्याय, एक से 10 पद तक पढ़ लो। जी, चारवें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तू किसके समान है? देख, अशूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ। जिसने नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई। उसकी टहनियां बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे और न की शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे डा करते थे। तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा फिर से हमारी सहायता करे। कल हम लोगों ने ध्यान किया था जड़ के विषय में, और तब यहाँ एक वृक्ष के जड़ के विषय में लिखा हुआ है कुछ, तो हम लोग इस विषय को ध्यान करेंगे और यहेजकेल 31 का 9 पद एक बार फिर से पढ़ लेंगे। रेचल पढ़ो ऑन स्क्रीन। यहेजकेल 31 का 9। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उसको दाह करते थे। ये लाइन पढ़ने के बाद मैं थोड़ा परेशान हुआ कि पेड़ पौधे भी आपस में एक दूसरे से दाह करते हैं क्या? और तब मुझे प्रभु ने समझाया, सिखाया, वचन में दिखाया कि जितने जो उसके उसकी रचना है, उसके जो मनुष्य हैं जिनको वो चुनकर अपने समीप आने देता है, उनके विषय में बहुत सारी बातें लिखी है, और उन्हीं में से एक विषय भी है कि वो एक मनुष्य को ऐसा ऊंचाई, ऐसा अच्छा छायादार वृक्ष बनाता है कि बहुत सारे लोग उस पर बसेरा करते हैं, उसके छाया में आकर आनंद और शांति प्राप्त करते हैं। उसी के विषय में यहाँ पर लिखा है, और इसलिए हम लोग इस विषय को ध्यान करेंगे। 31 के 9 में लिखा, मैंने उसे डालियों के बहुतायत से सुंदर बनाया था, बहुत सारी डालियाँ दिया और उसके कारण सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे, लिखा है। भजन संहिता 92 उसके 12 और 13 पद में ये लिखा है कि कैसे परमेश्वर एक धर्मी जन को ऐसा वृक्ष के नाई रोपता है। क्या लिखा? भजन संहिता 92 का 12 से 13 तक। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। लिखा है कि
वो परमेश्वर के आंगन में उसके पैराडाइज के एक वृक्ष ठहरते हैं कौन, धर्मी लोग, और तब खजूर और देवदार, इसके विषय में भी हम लोग ध्यान करेंगे। पर यहाँ लिखा है कि रोपणी करता है परमेश्वर, अपने भवन में रोपाई करता है, हमको लगाता है एक पौधे के समान और बढ़ाता है। इकतीस के 3 से 7 तक क्या पढ़े हम लोग, पढ़िए एक बार और। यहेजकेल लिखते इसका 3 से 7 तक। अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया, उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थीं और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थीं। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थीं। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। कल हम लोगों ने ध्यान किया था 2 प्रकार की जड़, एक जड़ बढ़ना चाहिए और एक जड़ नहीं होना चाहिए, कट जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, कड़वी जड़ नहीं होनी चाहिए, और जो मसीह यीशु के जीवन में जो हमको बढ़ाती है वो जड़ हमारा बढ़ना चाहिए। अंदर अंदर ये जड़ बढ़ता है। और तब यहाँ इस के विषय में लिखा है उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी, ये था मूल कारण कि उसकी जो लंबाई हुई और वो जो सुंदर हुआ बढ़ा, उसका मूल कारण था उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। पढ़िए तेरह यहेजकेल चौदह 13 और 14। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने अब पाते हैं। ये वृक्ष जो है गिर चुका है, पहले खड़ा खड़ा था, अभी गिरे हुए वृक्ष पर गिर गया है, फिर भी आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं। और आगे क्या लिखा है? यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से कितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं, वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाएं। ये कुछ बात कहना चाहता था, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने प्रार्थना में पूछा प्रभु से कि प्रभु ये मुझे समझना है कि ये किस विषय में बोलना चाहता है, वे ऊँचे होने के कारण सिर न उठाएं, किस विषय में बात करता है। और तब प्रभु ने मुझे जो बताया वो पौलुस ने अपने बारे में क्या कहा, 2 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 1 से 10 तक पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 14:1-10 तक। क्योंकि यदि यहाँ मैं घमंड मैंने 6 से लिखा है, पर आप 1 से पढ़ लेना पूरा, 6 पद से जो हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। क्या लिखा? क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। ये जो लाइन है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसका एकदम व्यावहारिक अनुभव मेरे पास है। जिन्होंने जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिले हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज में केवल मेरी आवाज़ सुनते हैं, ये लिखा पौलुस बोलता था कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर ना समझे। और तब मेरे विषय में जो जो मेरी शारीरिक दशा है, मैं भी बोल सकता हूँ कि प्रकाशों के बहुतायत से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया और शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। और तब आगे क्या लिखा, रेड लाइन एक बार फिर से 8 पद से आगे पढ़ लो। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है।
इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे मेरी देह में एक निर्बलता है। जिन्होंने मुझे नहीं देखा वो नहीं जानते हैं, पर जिन्होंने देखा है वो जानते हैं अच्छे से। और तब मैं अपने निर्बलता में आनंदित हूँ, आनंद करता हूँ, इसलिए कि वो निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। और तब मैं हमेशा इस विषय में ध्यान करता हूँ कि प्रभु ने मुझे प्रकाशों की बहुतायत में रखा है, और अपने वचन से अपने वचन की ऐसी ऐसी बातें बताता है जो और कहीं मिलती नहीं है। और तब मैं जानता हूँ कि इसके लिए इसकी इन सब बातों से मैं फूल न जाऊँ, इसलिए एक कांटा मेरे भी शरीर में चुभाया हुआ है। और इसलिए बहुत बार मैंने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की, पर मेरी समस्या अपनी जगह बनी रहती है। पर मैं जैसे पौलुस कहता था, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे और उसकी छाया बनी रहे मुझ पर। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। और इसी विषय में ये क्यों ये बात बोल रहा था, इस विषय में समझाना चाहता हूँ मैं कि जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई सिर न उठाए, कोई घमंड से न भर जाए, इसलिए परमेश्वर उपाय करता है। एक जन था, इसको पूरा पढ़ लेना आप, पूरा चैप्टर पढ़ना, और तब अश्शूर के विषय में बहुत सारी बातें लिखी है। अधोलोक तक उतारा जाएगा, उसका जो एंड है अधोलोक में है। और इसलिए प्रभु हमको सिखाना चाहता है, हमको बताना चाहता है कि हम किसी भी तरह, जल की बहुतायत हमारे पास है निश्चित रूप से। इन दिनों में खासकर मेरे साथ जितने लोग इस संगति में, इस अध्ययन में जुड़े हुए हैं, सबको जल की बहुतायत, परमेश्वर के वचन का गहरा प्रकाश इस अध्ययन से मिलता है सबको। पर इससे ये जल, बहुत जल मिलने से एक व्यक्ति का जो आत्मिक जीवन है वो ऊँचा उठते जाता है। अब उसमें अपनी ऊँचाई पर घमंड कभी नहीं करना, किसी के अंदर भी नहीं आना चाहिए। प्रभु ने मुझे भी सिखाया किसी भी बात में घमंड नहीं करना। सिर उठाओगे, सिर ऊँचा करके रहोगे, कई बार क्या होता है जब हमारे पास परमेश्वर के विषय का गहरा ज्ञान होता है तो हमको लगता है कि बाकी सब तो बेकार है, हम सबसे ऊपर हैं। पर प्रभु सिखाता है कि ये विचार भी नहीं आना चाहिए। और इसलिए ये पौलुस बोलता था कि मैं यदि घमंड करना चाहूँ तो भी मूर्ख नहीं ठहरूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा। और वो अपनी अपने विषय में एकदम सच्ची बात प्रकट कर दिया कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया ताकि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊँ। यदि आप अच्छे स्कॉलर हैं, आप कोशिश कीजिए, खोजिए, ढूंढिए कि आखिर पौलुस के जीवन में ऐसा कौन सा कांटा था। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि उसके शरीर में कौन सा कांटा चुभाया गया था जिससे वो फूल ना जाए। और ऐसे ही जो जितने मैंने इस विषय में ध्यान किया, जितने जो अच्छे बाइबल स्कॉलर्स हैं, बाइबल टीचर्स होते हैं, बिली ग्राहम से लेके बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ, जिनके मिनिस्ट्री में रहते हुए भी उनके बाद उनके शारीरिक जीवन में बहुत सारी कमजोरियाँ आई और शारीरिक रूप से अंतिम समय में वो हैंडीकैप हो गए सब। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ इस विषय में। और तब मैं इस विषय में यहाँ से मुझको प्रभु ने समझाया कि बेटा, जिनको मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ उनके जीवन में, उनके लिए ऐसे उपाय करता हूँ कि वो अपने अध्ययन से, अपने आत्मिक जीवन के, आत्मिक ज्ञान के लेवल से फूल न जाए, इसलिए उनके जीवन में ऐसी बातें मैं रखता हूँ। मैं बहुत सारे रिनाउंस इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोगों को खोजने को कोशिश किया। मैं जानना चाहता था कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो आखिर शारीरिक रूप से दुर्बल क्यों होते हैं। तो यहाँ उसका कारण मुझको मिलता है कि वो अपने आत्मिक जीवन की ऊँचाई के कारण फूल न जाए, इसलिए परमेश्वर ऐसा उपाय करता है कि वो हमेशा अपनी निर्बलताओं में बने रहे। और तब उसके पुत्र की, मसीह की सामर्थ्य उन पर छाया करती रहे, उसकी छाया बनी रहे। सो प्रभु सहायता करें, हम लोग सब मिलके इस विषय को सीखें। कल हम लोगों ने ध्यान किया कड़वाहट के विषय में, हमारे जीवन में कड़वाहट ना हो। आज का विषय है हमारे विषय, हमारे जीवन में घमंड किसी भी बात का, विशेष करके जीवन का घमंड। ये परमेश्वर की
वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसके 15 और 16 पद को पढ़िए एक बार निकाल के। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15 और 16 पद। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह तो पिता की ओर हाँ, नहीं ये परंतु शरीर की संसार अभिलाषा। ही की हाँ, ओर। बस बस बस, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, और उसके बाद लिखा है जीविका का घमंड। पर वहाँ पर यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो प्राइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये संसार के भीतर आता है, और इसलिए जीवन का घमंड, बहुत सारे लोगों को, हमारे पास आत्मिक जीवन है, इसका ही घमंड दिखता है। और इसलिए इस तरह का कोई भी घमंड, कोई भी प्राइड हमारे अंदर ना हो। घमंड के कारण ही ये लूसीफर जो है शैतान बन गया, और इसलिए ये सब हमारे लिए उदाहरण है परमेश्वर के वचन में, कि हमारे अंदर कड़वाहट ना हो, हमारे अंदर घमंड ना हो। आज के दिन इस विषय में खासकर जो की पर्सन्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आप इस विषय में ध्यान करना कि किसी कहीं पर भी घमंड करने का जगह नहीं बनता है। कि कई बार मैं देखता हूँ, कई बार कई जो प्रभु के सेवक हैं वो बोलते हैं कि मैं, देखें ये मेरा काम, मेरा चर्च, मेरा लोग, मेरा, तो ये मेरा जो शब्द है ये हमेशा आई, मैं, मेरा, ये शब्द जो है घमंड को प्रकट करता है। डोंट से ऑल दिस थिंग। ये परमेश्वर के लोगों को ये सारा उपयोग नहीं करना चाहिए। सो प्रभु सहायता करें, आज के दिन हम लोग इस विषय में ध्यान करें, इसके विषय में भी चौकस रहें कि हमारे अंदर किसी भी तरह का, खासकर अपने आत्मिक जीवन का या परमेश्वर के वचन के ज्ञान का घमंड बिल्कुल ना हो। और इसी विषय में ये जो यहेजकेल की 31 अध्याय को पूरा पढ़ लेना, कि जब एक जन एक को परमेश्वर ने दूसरों का आसरा बनाया, जो दूसरे लोग उस पर डिपेंडेंट थे, तो उसको घमंड हो गया, और तब उसके विषय में उसका एंड लिखा हुआ है। पूरा पढ़ लेना आप लोग उस चैप्टर को, मैंने कल बोला था कि वो पढ़ना करके, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा। पर एक बात को याद रखना कि ज्ञान हमेशा घमंड उत्पन्न करता है। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय के 1 पद में भी ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप बाद में। वहाँ लिखा है कि ज्ञान, हम सबको ज्ञान है, और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ऑलवेज याद रखिए कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान घमंड उत्पन्न नहीं करता है, वो और नम्र बनाता है। याकूब 3:13 पढ़िए, याकूब 3 अध्याय उसका 13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न कल तो का तुम विषय अभी भी है, यदि तुम्हारे मन में कड़वाहट की है और उसके साथ ज्ञान भी है परमेश्वर का, तो ये ज्ञान कहाँ से है? क्या लिखा आगे आगे? चौदह पढ़ो। पहला यूहन्ना, सॉरी, याकूब 3:13 और 14। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से इस नम्रता से प्रकट करे। दो जन पढ़ रहे क्या? आवाज नहीं आ रही थी नीतू बहन की, तो मैं पढ़ रही थी अच्छा, मामू हाँ, नीतू तुम नीतू। हो? नीतू पढ़ो तुम। दादा आवाज आ रही हाँ, आ है रही आ रही मेरी? आ रही आ रही, थोड़ा वो उसको पास में रख के पढ़ो। जी। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे तुम में जो ज्ञानवान, इन दिनों में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पर याद रखना ज्ञान के साथ में यदि कोई चीज़ मिला, कई
क्या लिखा है आगे? उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न की। इस ज्ञान से नम्रता नम्र होते जाता है, जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा उतना नम्र होता है व्यक्ति, और इस संसार का ज्ञान जो है वो घमंड उत्पन्न करता है। यहाँ क्या लिखा? पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो ऐसा ज्ञान जो कड़वाहट के साथ है, यदि कड़वाहट है और परमेश्वर का ज्ञान भी है, तो वो जो भी ज्ञान है उसको यहाँ पर बाइबिल का वचन, परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो ज्ञान सांसारिक शारीरिक और शैतानी है। सो प्रभु सहायता करे। और ये इस ज्ञान से क्या क्या होता है और आगे पढ़िए। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, इफ यू आर गेटिंग सम रेवलेशन फ्रॉम गॉड, यदि परमेश्वर से आपको कुछ मिल रहा है, माध्यम हूं मैं, मेरे से नहीं मिल रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। तो उससे यदि कुछ मिल रहा है तो क्या लिखा है? जो ज्ञान ऊपर से आता उतरता है वह पहले तो पवित्र होता है, पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और इन सब बातों से लदा हुआ रहता है वो। तो प्रभु सहायता करे कि ये सारा चीज डेवलप होना चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए, लदा हुआ ये सारे फल दिखने चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर का ज्ञान यदि मिल रहा है तो उससे इस प्रकार का जीवन मिलता है। तो प्रभु सहायता करे कि घमंड ना हो, कड़वाहट ना हो, और ये दोनों यदि है तो जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको कोई भी सुनेगा, या इवन परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भी ज्ञान है तुम्हारे पास यदि कड़वाहट के साथ है तो ये शैतानी और शारीरिक है, तुमने और किसी ढंग से इसको प्राप्त करने का कोशिश किया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज के दिन इतने ही ध्यान करेंगे। कल हम लोगों ने ध्यान किया था कड़वाहट के विषय में, आज हम लोग ध्यान किए हैं घमंड के विषय में। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, पर परमेश्वर का वचन, इसका परमेश्वर का ज्ञान जो है एक व्यक्ति को नम्र बनाते जाता है। याकूब 3:13 से आगे को याद रखिए आप। यदि आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और आपके अंदर यदि कड़वाहट है किसी के लिए भी, तो वो ज्ञान जो आपके पास है वो तुरंत वो बदल जाएगा नाम उसका, वो शैतानी शारीरिक और सांसारिक होगा। सो प्रभु सहायता करे इन सब बातों में। सुरेखा सिस्टर हैं आप? जी भैया। हाँ, प्रार्थना कीजिए आप। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी उत्तम आशीषों के दाता प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने हमें ये दिन दिया, ये समय दिया हमारे जीवन में कि हम आपके वचनों को सुन सकते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को प्रभु जी हम ग्रहण कर सकते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जो हमें इस बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु जी, आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु हम तक पहुंचाते हैं, हम उन वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु, ऐसी कृपा ऐसी अनुग्रह प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर कोई भी कड़वी डाह, कोई भी कड़वी जड़ प्रभु यदि हमारे जीवनों से हमें उस उन कड़वी डाह को, उस कड़वी जड़ को दूर करके प्रभु, हमारे हर एक घमंड को दूर करके प्रभु जी हमें दीन और नम्र बनाना सिखाइए पिताजी, ऐसी हम कृपा चाहते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु इस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु, एक एक के परिवार समेत प्रभु हम हर एक को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु और उत्तम आशीषों से प्रभु और आत्मिक वरदानों से और भी अभिषेक से भरिए प्रभु जी, ताकि आपकी दुल्हन प्रभु सुंदर तैयार हो सके प्रभु जी, जिस जिसके लिए प्रभु आपने हमें चुना, बुलाया, ठहराया प्रभु जी और महिमा दिए प्रभु जी, वो बात प्रभु आपके आने तक प्रभु पूरी होने पाए प्रभु जी, हम अनशन करके प्रभु आपके स्वरूप में बदलते चले जाएं प्रभु जी, भैया का परिश्रम प्रभु व्यर्थ न जाने पाए प्रभु, और भी उनको अभिषेक देना प्रभु, और भी आप उनको स्वास्थ्य देना प्रभु, ताकि हम और अधिक आपके आने तक प्रभु तैयार होने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु इस छोटी विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन, थैंक यू। सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह प्रदान करे कि हम सबके पास जो ज्ञान है, जो कुछ हमने अब तक सीखा है, जो पाया है, वो सांसारिक और शारीरिक और शैतानी न ठहरे। इसलिए अपने अपने हृदय को जांचते रहिए कि किसी भी तरह
सिर न उठाए, ऊंच जिनके पास ज्ञान है वो घमंड न करें और कड़वाहट ना हो अंदर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इन सब वचनों के द्वारा प्रभु सबकी सहायता करे, सबको आशीष दे। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर से इसी समय पर हम लोग इकट्ठे होंगे। शालोम शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। शालोम दादा। शालोम।